हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। एम्बुलेंस चालक के पॉजिटिव मिलने से मचा हड़कंप। जोधपुर शहर में एक एम्बुलेंस 108 की चालक मिलने से चिकित्सा विभाग में हड़कंप मच गया है। वो करीब पिछले 15 दिनों से संक्रमित व संदिग्ध मरीजों को अस्पताल लाने के काम में लगा हुआ था, उसे अब अस्पताल में भर्ती किया गया है। मरीज आते हैं छोड़ते हैं, उसके बाद आपको कोई मेडिकल किट या मेडिकल सीधा या कोने दिया थे आपको? हाँ, हमारे को जब कोई केस मिलता है तो हमारे किट दिया जाता है पहले, और उसके बाद हम पेशेंट भर्ती करा के वो एमएस ऑफिस आते हैं, यहाँ से गाड़ी सैनिटाइज की जाती है और किट उतार के चला दिया जाता है। सीएमएचओ डॉक्टर बलवंत मंदा ने बताया कि शहर में बुधवार को 3 नए पॉजिटिव केस सामने आए। कुल 376 सैंपलों की जांच में से 3 जने कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इस तरह अब शहर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 279 तक जा पहुंची है। नए पॉजिटिव केस में एक एम्बुलेंस चालक भी है। 108 एम्बुलेंस में कार्यरत मंडोर निवासी ये चालक मसूरिया में एक कमरा किराए पर लेकर रह रहा है और पिछले 15 दिनों से संक्रमित मरीजों को अस्पताल में लाने में लगा हुआ था। पॉजिटिव की आई है, उसमें संख्या के अंदर जोधपुर के अंदर हालांकि कमी हुई है, और उसमें जहाँ तक आप बात करें 108 कर्मचारी की, तो निश्चित ही हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं इस डिजीज़ के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोन होते हैं किसी भी तरह के इन्फेक्शन को लेने के लिए। तो उसी की तरह जिस तरीके से पहले भी डॉक्टर्स या निगम कर्मचारी या पुलिस का जवान भी जो है कि नहीं पॉजिटिव आया, तो उसमें 108 का कर्मचारी है वो भी पॉजिटिव है। लेकिन इसमें किसी भी तरीके से हम लोगों का या हेल्थ वर्कर्स का किसी भी तरह का मनोबल गिरने जैसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल सभी लोग उत्साहित हैं और सभी लोग प्रिकॉशंस लेकर ही काम कर रहे हैं। इस दौरान उनके संपर्क में आने से संक्रमित हो गया। बता दें कि 108 एम्बुलेंस का स्टाफ पिछले 1 महीने से मरीजों को अस्पताल लाने और संदिग्धों को क्वारंटाइन सेंटर लाने के कार्य में लगे हैं, जबकि कोरोना गाइडलाइन के मुताबिक 14 दिन बाद उनकी जगह दूसरी स्टाफ लगाना चाहिए था, लेकिन ना तो चिकित्सा विभाग ने ध्यान दिया और ना ही कंपनी संचालकों ने। इस वजह से अब इन एम्बुलेंस स्टाफ के संक्रमित होने का खतरा और अधिक बढ़ गया है। वहीं बुधवार को मिले पॉजिटिव में एक मरीज सुखानंद जी की बगेची का है। यहाँ पहली बार मरीज मिला है। इससे पहले 8 और मरीजों को स्वस्थ होने पर डिस्चार्ज किया। शहर में अब तक 40 रोगी स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एमडीएम अस्पताल में अब तक 67 संक्रमित पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। इनमें से 22 पोखरण के हैं। जोधपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।